उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है। दूसरे और तीसरे चरण के दौरान जब आपसे बातचीत हुई थी, बहुत आशान्वित थे, उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा। अब सात चरणों का मतदान खत्म, नतीजे पे नजर, उम्मीद बरकरार है? जितनी उम्मीद मुझे पहले और दूसरे चरण में थी, उससे कई गुना तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें में विशेष रूप से उससे भी ज्यादा उम्मीद है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी 10 दिन और वाराणसी में भी रहते तो वाराणसी में वही होना है जो होना है, वहां गठबंधन साफ कर लेगा। सभी सीटों पर गठबंधन आएगा और 2/3 मेजोरिटी गठबंधन को मिलेगी। 2/3 आप भी बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग भी दावा करें कि 2/3 उनको मिलेगा। अगर बीजेपी को 2/3 सीटें मिलने वाली होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 रात और 3 दिन वाराणसी की गलियों में नहीं घूमते वोट मांगने के लिए। इस बीच कब्रिस्तान शमशान का भी बयान आया जब आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी, इसका ध्रुवीकरण बीजेपी को फायदा हो? ये हमारा एजेंडा नहीं होता और न अलायंस का ही एजेंडा था। अलायंस का एजेंडा हमेशा विकास और डेवलपमेंट होता है। ये भाजपा का एजेंडा होता है, जब भी वो हारने लगते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा में तो फिर वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म की राजनीति का हमने कभी न इस्तेमाल किया और न आने वाले वक्त में कभी करेंगे। सर, दूसरे नंबर पे कौन पार्टी होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और बीएसपी कहाँ खड़ी है? वो बीएसपी और मुझे लगता है बीजेपी को तो तीसरे नंबर पे ही होना चाहिए। तो 11 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन सब पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2/3 बहुमत आएगा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को, लेकिन बीजेपी की और बीएसपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, और बीजेपी को तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरे स्थान पे बताया जा रहा है। अब देखना होगा 11 मार्च को कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और आने वाली राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस समय कैमरा पर्सन ललन के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।